तो इस प्रकार हमने अपना पहला सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया है बिना किसी एरर के। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पहला सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूँ। सो हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर YouTube चैनल शील्ड एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको देव C++ को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना बताऊंगा, जिसको हम अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स के सारे सी प्रोग्राम में यूज करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। इसी के साथ मैं आपको पहला सी प्रोग्राम कंपाइल और रन करके दिखाऊंगा और साथ में देव C++ के कुछ बेसिक फीचर्स और शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपर C++। अब देखते हैं देव C++ को कैसे डाउनलोड करना है। ब्राउजर में हम सर्च करेंगे देव C++। जो सबसे पहला लिंक आएगा डाउनलोड का, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके देव C++ को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा अभी ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये लगभग 48 MB के आसपास का सॉफ्टवेयर है। तो ये डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए या तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर सकते हैं। अलाउ करने के बाद ये कुछ टाइम लेकर के लोड होगा। अब इसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दें। ओके पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है, अब फिनिश पर क्लिक करेंगे। ये देव C++ का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। सो देव C++ में न्यू फाइल या न्यू पेज ओपन करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, और अगर हमें और प्रोग्राम बनाने हैं तो वापिस से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, जिससे हमारे सामने एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। अब अगर हमें किसी फाइल को क्लोज करना है तो यहाँ फाइल पर जाकर के क्लोज पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली आप कंट्रोल प्लस W प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि वो फाइल क्लोज हो जाएगी। अगर आपके सामने बहुत सारी नई फाइल्स ओपन हो जाती हैं तो उनको क्लोज करने के लिए आप यहाँ फाइल्स में जाकर के क्लोज ऑल पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज कीबोर्ड से डायरेक्टली शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ W। तो सारी फाइल्स आपकी जो ओपन है वो क्लोज हो जाएंगी। तो यहाँ हम अपना पहला सी प्रोग्राम बनाएंगे। तो सी प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हेडर फाइल्स लिख लेते हैं। #include stdio.h, उसके बाद में #include phonio.h। देन हमें एक मेन फंक्शन लिखना है, उसके बाद में ब्रैकेट्स इंसर्ट करेंगे। अब हमें जो प्रिंट करवाना है वो हम printf स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। printf फिर ब्रैकेट और डबल कोटेशन, इसके अंदर हमें जो स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है वो हम लिख लेते हैं, लाइक हेलो गाइज। आप जो चाहें वो इसमें लिख सकते हैं, लाइक हेलो गाइज चाय पी लो या फिर कुछ भी, हेलो वेलकम फ्रेंड्स। ओके, बट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ओके, अब पहला सी प्रोग्राम है तो यहाँ हम एक कमेंट भी इंसर्ट कर लेते हैं, लाइक फर्स्ट सी प्रोग्राम, और इसको क्लोज कर देंगे। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है। और अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया है कि ये हेडर फाइल्स क्या है, मेन फंक्शन क्या है, प्रिंटएफ क्या है, तो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में सी प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर जब समझाऊंगा तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। अभी हम प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे, सिर्फ वो सीखने वाले हैं। ओके, तो अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यहाँ एग्जीक्यूट में जाकर जब आप कंपाइल पर क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, अदरवाइज सिंपली कीबोर्ड में जब आप F9 प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। और अगर आप देव C++ को लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो आपको F9 के साथ शायद विंडो बटन प्रेस करना पड़ेगा, विंडो प्लस F9। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले फाइल को सेव करना पड़ेगा, लाइक हम इस प्रोग्राम को नाम दे देते हैं हेलो। ओके, सेव
तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसका आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में और ना हमें कोई वार्निंग दी जा रही है, तो हमारा ये प्रोग्राम सही है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। रन करने के लिए यहाँ एग्जीक्यूट पर जाकर रन पर क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्टली कीबोर्ड से F10 की प्रेस कर देंगे, और अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो विंडो प्लस F10। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हेलो गाइस जो है वो प्रिंट हो चुका है। और अगर आपको किसी प्रोग्राम को कंपाइल के साथ साथ रन करना है तो यहाँ एग्जीक्यूट में जाकर के कंपाइल एंड रन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली आप कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो आप विंडो प्लस F11 प्रेस कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार हमने अपना पहला सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया है बिना किसी एरर के। ओके, जब आप पहली बार देव C++ को यूज करते हो तो एक प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है वो है फॉन्ट्स की। अगर आपको प्रोग्राम में फॉन्ट्स छोटे लग रहे हैं तो यहाँ टूल्स पर जाकर के एडिटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉन्ट्स पर जाएंगे। तो फॉन्ट्स का साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट्स बड़े हो जाएंगे। देव C++ में जनरल फॉन्ट के लिए आप 20 साइज जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, अगर देव C++ में आपको ये व्हाइट स्क्रीन पसंद ना हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ टूल्स में जाकर के एडिटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कलर्स पे जाएंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट थीम पर क्लिक करके आप थीम को चेंज कर सकते हो। लाइक अगर हम ट्विलाइट कर देते हैं तो इसका कलर पूरा ब्लैक हो जाता है। इसके अलावा हम फॉन्ट्स का साइज भी चेंज कर सकते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके, फिर जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है। ओके, इस तरीके से हम देव C++ में थीम चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप पहला सी प्रोग्राम बनाना सीख चुके हो तो आपको एक सिंपल सा असाइनमेंट भी करना है ताकि आपकी प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने की प्रैक्टिस हो जाए। सो आपको एक सी प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको हेलो प्रिंट करना है, और दूसरा जो सी प्रोग्राम बनाना है उसमें आपको खुद का नेम प्रिंट करवाना है। ये एकदम सिंपल सा असाइनमेंट है, जैसा मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में किया वैसे ही आपको करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।